तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग 3 मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है सत्या प्रेम की कथा, दूसरी मूवी है सपाए और तीसरी मूवी है मुमानन। तो वैसे ये तीनों मूवीज़ आज ही रिलीज़ की गई हैं और तीनों मूवीज़ को रिलीज़ हुआ आज पहला दिन। तो बात करें ये तीनों मूवीज़ अपने पहले दिन पर कितना कलेक्शन कर रही हैं और पहले दिन पर कितनी बड़ी ओपनिंग दे रही हैं। इसके अलावा तीनों मूवीज़ के बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट के भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रही वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं सत्या प्रेम की कथा मूवी की। तो गाइस ये एक हिंदी मूवी है और इस मूवी को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया है। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का जो बजट है वो है 60 करोड़ रुपए का, अच्छा बजट है। मूवी की अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो मूवी के लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन देखने को मिलने वाले हैं और फीमेल लीड कियारा आडवाणी देखने को मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी कितना बड़ा पहले दिन पर कलेक्शन कर रही है। तो पहले दिन पर जो इस मूवी का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो है 8 करोड़ रुपए। ये अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है, बाकी ऑफिशियल कलेक्शन जो है वो कल निकल कर आएंगे। और अर्ली एस्टिमेट के मुताबिक भी ये बहुत ही अच्छा पहले दिन पर कलेक्शन कर रही है। बाकी इस मूवी के रिव्यूज़ की बात की जाए तो मूवी का रिव्यूज़ तो मिक्स देखने को मिले हैं। आप देखने वाली बात ये होगी कि अगले दिनों में ये मूवी कितना कलेक्शन करती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आई है और कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं भी आई। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लेना। इस मूवी को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी स्पाई की। तो गाइस ये एक तेलुगु मूवी है, लेकिन इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज़ किया गया है और टोटल 5 लैंग्वेजेस में इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया है। बात करें मूवी के लीड रोल की तो मूवी के लीड रोल में आपको निखिल सिद्धार्थ देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की अगर मैं बजट की बात करूँ तो इस मूवी का बजट है 40 करोड़ रुपये का, अच्छा बजट है। तो अब बात कर लेते हैं ये मूवी अपने पहले दिन पर कितना बड़ा कलेक्शन करने वाली है। तो इस मूवी का जो अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है इंडिया से ग्रोस कलेक्शन का, वो निकल कर आ रहा है 5 करोड़ रुपए, जो कि देखा जाए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस मूवी का बजट 40 करोड़ है। उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी ओपनिंग है। बाकी मूवी के रिव्यूज़ की बात की जाए तो मूवी का रिव्यूज़ भी मिक्स देखने को मिले हैं और लोगों को ये मूवी पसंद भी आ रही है और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं भी आई। इस मूवी के जो रिव्यूज़ है वो 75% जो है वो अच्छे रिव्यूज़ देखने को मिले और 25% नेगेटिव भी हैं। बाकी आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी को भी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अभी बात करते हैं हमारी तीसरी मूवी मुमानन की। तो गाइस ये एक तमिल मूवी है और इस मूवी को सिर्फ सिंगल लैंग्वेज तमिल में ही रिलीज़ किया गया है। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का जो बजट है वो है 35 करोड़ रुपये का, बड़ा बजट है। मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो मूवी के लीड रोल में आपको फाहिद फैसल और कृति सुरेश जैसे बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं और भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो इस मूवी का जो अर्ली एस्टिमेट है वो निकल कर आ रहा है इंडिया से ग्रोस कलेक्शन पहले दिन पर 5 करोड़ रुपये, जो कि देखा जाए बहुत ही बड़ी ये मूवी ओपनिंग ले रही है। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लैंग्वेज तमिल में ही रिलीज़ की गई है और एक लैंग्वेज में ही इस मूवी की ओपनिंग इतनी बड़ी निकल कर आई है, तो इस मूवी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बाकी मूवी के रिव्यूज़ की बात की जाए तो इस मूवी के रिव्यूज़ सारे ही पॉजिटिव में देखने को मिले हैं और लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बाकी दो मूवी के रिव्यूज़ जो हैं वो मिक्स देखने को मिले हैं, लेकिन इस मूवी के जो रिव्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही पॉजिटिव देखने को मिले हैं, कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं देखने को मिला। और जिसने भी इस मूवी को देखा है उसने इसकी तारीफ ही की है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। इस मूवी को भी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। इन तीनों मूवीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं अगर नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।